मथुरा के राजकीय शिशु गृह बाल में कुपोषण से बच्चों की मौत का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। निरीक्षण परीक्षण का दौर चल रहा है और जांचें चल रही हैं। उन जांचों का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। राजकीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम भी यहां पर आई, उसने भी जांच की। 4 सदस्यीय टीम यहां पर आई, विशेष गुप्ता अध्यक्ष यहां पर आए, उनके साथ 3 सदस्य यहां पर आए और उन्होंने जो जांच पड़ताल की, जो निरीक्षण परीक्षण किया, उसमें भी कोई विशेष कमी राजकीय बाल शिशु गृह में नहीं प्रकाश में आई जिससे कि बच्चों की मौत हो। ये जरूर पता चला कि एक बच्चे के लिए राज्य की ओर से 4,000 रुपये प्रति माह आता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता चला कि जो बच्चों को पालने वाली आयाएं यहाँ पर हैं, उनको मात्र 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। यही है केंद्र बिंदु इस प्रकरण का। जी हाँ, बच्चों की ओर तो सभी का ध्यान जाता है, जिनके रख रखाव पर सरकार द्वारा भी ध्यान दिया जाता है और जो सेवाभावी लोग हैं उनके द्वारा भी ध्यान दिया जाता है। तमाम वस्तुएं उनको प्रदान की जाती हैं, खाने पीने की और पहनने आदि की भी। उनको कपड़े भी प्रदान किए जाते हैं, उनको खाद्य पदार्थ भी दिए जाते हैं और राज्य की ओर से भी उनको इतना भरण पोषण मिलता है जिसका व्यय नहीं हो पाता है। प्रत्येक बच्चे के मद में 4,000 रुपये आते हैं, लेकिन खर्च 3 से 3,500 रुपये ही हो पाते हैं। लेकिन जो आयाएं हैं यहाँ की, उन आयाओं के लिए 6,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, वो भी सिक्योरिटी एजेंसी को, जो कट कर उनको 5,000 रुपये के रूप में प्राप्त होती है। और 5,000 रुपये भी कट जाते हैं जब उनकी तनख्वाह काट ली जाती है किसी वजह से। ऐसे में जो आयाए हैं वो क्या देखभाल करेंगी बच्चों की, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि आयाओं की धनराशि पर, उनके पारिश्रमिक पर ध्यान दिया जाए तो राजकीय शिशु गृहों में इस प्रकार की होने वाली घटनाओं को रोका जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से आज ये विजिट थी और विजिट हर महीने होती है किसी ना किसी जनपद में भी। इत्तेफाक से चूंकि मुझे आना था यहाँ, मथुरा की शिकायतें भी थी मेरे पास में, तो थोड़ा सा ये भी था कि स्थलीय अगर मुआयना होगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे मुकाबले इसके कौन शिकायत क्या कर रहा है। तो आज यहाँ आना हुआ है। मेरी 3 मेंबर भी, जिसमें डॉक्टर सुचिता जी हैं, डॉक्टर जया जी हैं, नीता साहू जी हैं इलाहाबाद से, मैं अध्यक्ष के होने के नाते आज मैंने अभी जानकारी मिली थी कि कुछ बच्चों को कुपोषण के शिकार होने के कारण से कुछ बच्चे यहाँ अस्पताल में हैं, जिनमें 1-2 बच्चे काल का ग्रास बन गए हैं, उनकी डेथ भी हो गई है। तो ये निश्चित तौर पर ये तकलीफ दे मामला है सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी। और अभी चूंकि हमारा काम केवल संज्ञान लेना है, आप ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का काम है संज्ञान लेना और संज्ञान लेके सरकार के संज्ञान में लाना। तो आज यहाँ पर हमने यहाँ बच्चों की स्थिति देखी है, कुछ विसंगतियाँ पाई जा रही हैं, अभी पूरा स्टॉक चेक नहीं किया हमने। दूध की बोतलों को लेकर जो चर्चा थी, निश्चित तौर पर डॉक्टर भी लिख रहा था और उसमें ये भी लिखा है कि बच्चे साफ़ सफाई के साथ काम, मतलब उनका जो आया है वो साफ़ सफाई से बच्चों को देखें और बच्चों को ठीक प्रकार से दलिया दें, खिचड़ी दें, मीनू उनका ठीक दें, दवाई उनके लिए मंगवाएं। तो मैंने देखा कि उसमें कुछ विसंगतियां पाई जा रही हैं, डॉक्टर जो कह रहा है वो और जो यहाँ उसका फॉलोअप हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फॉलोअप ठीक से नहीं हो रहा। अभी भी आज जो बोतलें थी वो भी यहाँ स्टॉक पाया गया है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं, बच्चों के अंडरगारमेंट नहीं थे तो आज यहाँ कम से कम स्टॉक में रखा है। मतलब ये नहीं कह सकते कि सामान हमारे पास नहीं है, सरकार नहीं दे रही, तो सरकार की तरफ से पूरा सब कुछ आ रहा है। ये सरकारी बाल गृह है तो सरकार की गलती नहीं हो सकती किसी कीमत पर, ये गलती केवल उन अधिकारियों की है जिन अधिकारियों को सरकार ने जिम्मा दिया है। तो निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी तय होती है। तो मैं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो महिला बाल कल्याण प्रमुख सचिव हैं, जो मंत्री हैं स्वाति जी, उनको मैं निश्चित तौर पर इस बात को बताऊँगा और ये काफ़ी मुख्यमंत्री जी को भी, हम लोगों की बैठकें होती तो उनके संज्ञान में ये बातें लानी मेरे लिए अवश्यंभावी होती है। तो आज जो विसंगतियाँ मिली हैं ये थोड़ा तकलीफ देह हैं कि जो अधिकारी यहाँ
जिम्मेदार हैं या जो आया आपको ये पता नहीं है कि यहाँ क्या स्थिति है अंदर की, क्या मीनू दिया गया है, सामान जो यहाँ देखा गया है वो उसमें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं देखा गया है और ये तकलीफ देह है हमारे लिए भी, और देखकर हम निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में लाएंगे। शासन की तरफ से एक बच्चे जैसा संज्ञान में आया कि एक बच्चे के लिए खर्चा शासन की ओर से 4,000 रुपये का आता है, तो क्या आपको लगता है उसकी उसकी हाँ नहीं उसकी, देखिए ये स्टॉक देखने के बाद और बाकी सारी चीज़ों को देखने के बाद ये पूरा जांच का विषय है कि आखिरकार कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, जो मोटा मोटा देखा उसमें विसंगति पाई जा रही है, तो ये जांच का विषय है। मैं इसके विषय में अभी 100% नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो स्टॉक देखा गया है, जो सामान मिला है, जो बिल है, उसमें विसंगति मुझे दिखाई देती है। तो ये देखा जाएगा कि किस क्रय किस आधार पर क्रय हो रहा है, कौन कर रहा है, कितने पैसा का हो रहा है, बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और इसकी रिपोर्ट निश्चित तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊंगा। बच्चों को एक्सपायरी डेट के पाउडर लगाए जा रहे हैं, ब्रश नहीं है, तकलीफ देह है, वो निश्चित तौर पर वो सारे दंड के भागी हैं बेसिकली, जो बच्चों के साथ, बच्चों की संवेदनाओं से, बच्चों के शरीर से, और जो बच्चे हमारे अनाथ बच्चे हैं, जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो तमाम ऐसे घरों से आए हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं है, तो ये बाल गृह में रहने वाला स्टाफ ही इनका माँ बाप है, अगर ये कहीं ना कहीं अगर उल्लंघन करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की निगाह में आता है, तो इनके लिए उसके लिए कोई ना कोई दंड निर्धारित किया जाएगा। एक बड़ी बात होती सर, जब आपने निरीक्षण किया तो सारे बच्चे एक साथ सोते हुए पाए? हाँ, इसका अभी जाँच, देखिए मेरे अभी दो मेम्बर, अभी डॉक्टर सुचिता जी और जया जी दोनों इस काम में लगी हैं, ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार उनमें से 50% बच्चे आखिरकार सो क्यों रहे हैं, हिलाने पर क्यों नहीं हिलडुल रहे हैं, तो वो पाउडर है या इस तरीके से दिया गया है कि कोई बच्चे इस प्रकार से मतलब नेचुरल कोर्स में उनको नींद आ रही है या उनको किसी इस प्रकार का पाउडर है, दोनों बातें हैं। बच्चा नहाता है तो सुख शांति भी मिलती है, नींद आती है, दूसरी बात यह है कि बच्चे का पेट भरा है तो नींद आती है, तीसरी बात यह है कि कुछ ऐसी चीज़ जरूर है अगर पाउडर में मिली है या कुछ और है, तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है। अभी ये सब चीज़ें आ जाएंगी, अभी हम देख रहे हैं, इसका निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी आपसे साझेदारी कर लेंगे।